नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। वीपीआर मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद जमशेदपुर पहुंची श्रमिष्ठा रॉय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और ससुराल वालों को दिया। श्रमिष्ठा ने बताया कि देश के बड़े बड़े शहरों से जुटे 450 प्रतिभागियों के बीच खिताब जीतना वाकई अद्भुत है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस किया, मगर हौसला नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। हालांकि श्रमिष्ठा इससे पूर्व 2016 और 2020 में मिसेज जमशेदपुर और 2019 में सावनी सुंदरी का खिताब जीत चुकी है। यही वजह रही कि इस प्रतियोगिता में वे सफल रही। बतौर जर्नलिस्ट करियर की शुरुआत करने वाली श्रमिष्ठा ने योग के रास्ते इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर साबित कर दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिएगा किस तरह की चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया था, क्या क्राउन आपको मिला है? एक्चुअली जब ये कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी, तो मेरी मदर इन लॉ की इच्छा थी कि मैं मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करूं, क्योंकि मैं दो बार मिसेस जमशेदपुर का खिताब जीत चुकी हूँ, द ईयर 2016 एंड 2020, और सावन सुंदरी का भी खिताब मैंने 2019 में जीता था। तो मदर इन लॉ की दिली ख्वाहिश थी, सोमा रॉय जो अब नहीं रही, कि मैं ये क्राउन जीतूँ, और वो मेरे साथ जाना भी चाह रही थी। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, बस जस्ट नेक्स्ट मंथ ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुई। और 3 महीने का हमारा ग्रूमिंग सेशन रहा ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड रीज़न। ऑनलाइन सेशन होने के बाद हमें 23 तारीख को अहमदाबाद जाना था, और 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक VPR मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में हमारा ग्रूमिंग भी हुआ, और 26 तारीख को हमारा ग्रैंड फिनाले राउंड हुआ, जिस दौरान 23 फरवरी को हमें इंट्रोडक्शन राउंड देना पड़ा, 24th को 1-on-1 विद द जज प्रियंका खुराना गोयल, वो 2016 की मिसेस अर्थ रह चुकी हैं और जो कि VPR की ब्रांड एम्बेसडर भी है, साथ ही साथ विद्या काबरा और विजय काबरा जो कि इसके प्रिंस प्रोडक्शन कंपनी के ऑनर हैं और फोटोग्राफर, साथ ही साथ प्रोडक्शन हाउस के मेंबर भी हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। इतने सारे रैम मॉडल्स के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीनियर मॉडल्स सुपर मॉडल्स भी थे, साथ ही साथ 450 स्टेट से अलग अलग जगह से जो कंपटीटर्स चुने गए थे उसमें से टॉप 40 को सिलेक्ट किया गया था, जहाँ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, मैंगलोर, मथुरा, गुजरात, राजस्थान, कई जगह से, आंध्र प्रदेश और झारखंड से मैं, इन सबके साथ कम्पीट करना मुझे थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन जब टैलेंट राउंड स्टार्ट हुआ, बहुतों ने डांस किया, म्यूज़िक सिंगिंग की, वहीं पे मैंने अपने योग का प्रदर्शन किया। जर्नलिज्म के बाद जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा, उसके बाद मैंने योग को एज अ करियर चुना, और उसके बाद जब मैंने योग में अपना प्रोफेशन अपनाया, मैं योग की इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो मैंने योगा को ही सोचा कि मैं टैलेंट राउंड में यूज़ करूँ, और सब उसके बाद मेरे योग के टैलेंट को देखकर हक्के बक्के रह गए, और जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दी। जहाँ झारखंड को एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं से सफल रही अपने इस शहर को, अपने शहर का नाम आगे करने में, इसीलिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। जब टैलेंट राउंड के बाद ग्रैंड फिनाले राउंड था, उसके बाद रैंप सेशन और क्वेश्चन आंसर राउंड में मैंने बाकी शहरों को भी मात दे दिया, जहाँ खुशहाली जो कि सूरत से थी, उन्होंने सेकंड रनर अप का खिताब जीता, और वहीं गुजरात, राजस्थान की अंकिता ने फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता, और झारखंड से मैं यानी कि शर्मिष्ठा रॉय मुझे मिसेस इंडिया 2022 VPR ने फाइनल यानी कि VPR मिसेस इंडिया का खिताब नवाजा।